आज के इस लेक्चर में हम लोग साइन रूल और उसके एप्लीकेशन को सीखने वाले हैं। ठीक है, साइन रूल देखते हैं पहले। साइन रूल क्या होता है, उसका प्रूफ क्या है, उसको भी समझते हैं और फिर उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, राइट, इन सब को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साइन रूल क्या होता है? ए ओवर साइन ऑफ ए, बी ओवर साइन ऑफ बी इज इक्वल टू C over साइन ऑफ B लिखना चाहिए था मुझे, C over साइन ऑफ C। ठीक है, सर्टेनली हम जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल कुछ ऐसा है, राइट, में तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी, या फिर तीन एंगल्स हैं ए बी सी। एंगल ए के अपोजिट जो साइड है इसकी लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल बी के अपोजिट जो साइड है ये स्मॉल बी से रिप्रेजेंटेड है, और सी के जो अपोजिट जो साइड है ये स्मॉल सी से रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ ए बी और सी जो न्यूमरेटर में है इसका क्या मतलब है? द लेंथ ऑफ द साइड्स जो रिस्पेक्टिवली एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के सामने। ठीक है, और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या है? ये इनके एंगल्स हैं। ठीक है, नीडलेस टू से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, राइट, द सम ऑफ दी इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री कह लो या फिर पाई रेडियंस कह लो। Both the things are absolutely fine। अच्छा, इसमें एक चीज और जो आप यहीं पे ध्यान से सीख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल आर। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर कुछ खास नहीं है। अगर आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे जो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच करेगा, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच करेगा, तो ये जो सर्कल होगा ना इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं, और इसका जो रेडियस होता है इसी को सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ए ओवर साइन ऑफ ए, बी ओवर साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ सी इज इक्वल टू आर। दिस इज कॉल्ड साइन रूल, इसी को हम लोग साइन रूल कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रूल ऐसा क्यों होता है, इसकी डेरिवेशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, राइट। लेट्स सी, देखो इसको समझने के लिए एक सिंपल से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ सिंपल ट्राइंगल। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, सिंपल एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, दैट मींस ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ये बात तो अभी अभी हमने सीख रखी है कि एंगल ए के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को ए से, बी के अपोजिट जो साइड है इसको स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और इसमें ही हमें देखना है कि क्या हमारे पास साइन ए, साइन बी, साइन सी कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ट्राइंगल में जो हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोज लेते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक परपेंडिकुलर चाहिए होता है। तो आओ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट। लेट द परपेंडिकुलर बी ए डी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं साइन बी की बात करूँ, ध्यान से देख, साइन बी की बात करूँ इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी में। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये मेरा एंगल है, तो इसके अपोजिट जो होगा ये क्या होगा? ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये चीज़ कितनी है मेरे पास? ये सी है। ठीक है, तो अगर मैं साइन बी की बात करूँ तो आप इससे अग्री करेंगे कि साइन बी मेरा क्या हो जाएगा? ए डी ओवर सी, राइट। व्हाट इज साइन बी? इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो इट इज ए डी ओवर सी। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट साइन सी, राइट, बिकॉज इस ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, क्वाइट ऑब्वियस एडी इज परपेंडिकुलर टू बीडी एज वेल एज डीसी, और वी से एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन सी की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस से मेरे पास क्या निकलता है? ये चीज आ जाती है एडी ओवर बी। इन दोनों जगह से एडी मेरे पास कॉमन आता है, तो मैं एडी को क्या लिखता हूँ? सी साइन बी सी। ध्यान से देखो, इन दोनों से मेरे पास कंफ्यूजन क्या ड्रॉ होता है? अगर मैं AD को इक्वेट करूं, आई कैन से C टाइम्स साइन ऑफ B इज इक्वल टू B टाइम्स साइन ऑफ C। अगर आप इसको रीशफल कर दें तो देखिए आपके पास क्या आता है, c ओवर साइन ऑफ c इज इक्वल टू b ओवर साइन ऑफ b। ठीक है, सर्टेनली अगर मैं ये परपेंडिकुलर यहाँ की जगह इधर कहीं पे बनाया होता तो मेरे पास जो बचा हुआ रिलेशन है वो आ गया होता क्या, a और साइन ए और साइन सी के बीच का रिलेशन आ गया होता, और फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है अर्पित, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि ये रिजल्ट क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, ए ओवर साइन ए बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन। ठीक है, दैट इज हाउ दिस रिजल्ट कम्स। ठीक है, इज इक्वल टू आर कैसे होता है वो हम आगे जब इसमें सर्कम सर्कल स्टडी करेंगे तो वो भी अभी देख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। इज इट ओके? यस सर। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, राइट, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मैं बुक से ही सीधा अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। जैसे देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1, राइट, एक्सरसाइज 10.1। आइए एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। कोई ट्रायंगल है एबीसी, राइट, there is any triangle ABC, triangle ABC जिसमें एंगल्स दे रखे हैं आपको, it is given to you that angle B, angle A, angle B, angle C, इनकी वैल्यूज दे रखी है। एंगल A दे रखा है 45 डिग्री, एंगल B दे रखा है 60 डिग्री और एंगल C दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, We have to find the ratio of the sides. हमें इनके जो तीनों साइड्स होंगे उनके बीच का रेशियो निकालना है। सर्टेनली यहाँ पे एक ही रूल हम सोच सकते हैं, वो है आपका साइन रूल। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको डायग्राम बनाने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो जो सबसे बड़ा एंगल है ये हमारा 75 डिग्री दे रखा है। मान लो इसको मैंने 75 डिग्री कहा तो ये सी हो गया। सबसे छोटा एंगल जो है ये वाला मैं मान लेता हूँ, छोटा एंगल ये हमारा 45 डिग्री दे रखा है, तो चलो मैंने इसको ए दे दिया, और सर्टेनली जो रह गया वो बी है, ये मेरे पास 60 डिग्री आ गया। क्वाइट ऑब्वियस ए के अपोजिट जो है वो स्मॉल ए होगा, बी के अपोजिट स्मॉल बी लेंथ ऑफ द साइड, और सी के अपोजिट स्मॉल सी। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, सर्टेनली हमारे पास जो रिलेशन है साइन रूल के फॉर्म में वो हमारे पास है a ओवर साइन ऑफ a इज इक्वल टू b ओवर साइन ऑफ b इज इक्वल टू c ओवर साइन ऑफ c। ठीक है, दिस इज द रिलेशन, और हमें यहाँ से चाहिए क्या, a इज टू b इज टू c। इस तरह एक क्वेश्चन में मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट k एज्यूम कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, k टाइम्स साइन ऑफ a, और साइन ऑफ a कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री आई होप आपको ध्यान में होगा कि साइन 45 इज 1/2। सिमिलरली यूजिंग द सेम थिंग मैं b को क्या बोलूँगा, k टाइम्स साइन b, यानी k टाइम्स साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है बेटा, 3/2। एंड एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे मैं इसको क्या बोलूँगा, k टाइम्स साइन 75 डिग्री। जब साइन 75 डिग्री की बारी आएगी तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग 30 + 45 करके ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ साइन ए प्लस बी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लिए बिना आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। साइन ए विच इज़ 1/2, कॉस बी विच इज़ 1/√2, राइट। चलो मैं ऐसा करता हूँ, के को बाहर रख देता हूँ और बाकी चीज़ों को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, cos of a that is √3/2 and sin of b that is 1/2। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आती है, यानी ये कितना हो जाता है, k over 2√2 into 1 + √3, that is the value of c। यहाँ से आपको a is to b is to c की रेशियो क्या पता लग जाएगी, certainly yes। क्या लिखोगे आंसर, इस बात को भी समझो, a is to b is to c मैं लिखूंगा k over √2 is to k over √3/2 is to k 1 + √3 over 2 √2। क्योंकि k सब जगह पे कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए आंसर। फाइनल आंसर मस्ट बी सिंप्लीफाइड एंड इन माय ओपिनियन सिंप्लीफिकेशन इज ब्यूटिफिकेशन। जब तुम्हें एक्सप्रेशन अच्छा दिखने लगे तो समझ लो तुमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो मैं इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई विल मल्टीप्लाई 2√2 इन एवरी टर्म। जब मैं 2 सर इसमें डायरेक्ट √2 भी तो कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्या जरूरत है? सीधा 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। एलसीएम जो भी एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई करना, दैट इज द इजीएस्ट वे टू डील विद दैट। ठीक है, 2√2 से करोगे, देखो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, 2 आ गया। यहाँ तुमने 2√2 से किया तो ये कितना हो गया, √3 √2 व्हिच इज √6। और इसको जब तुमने 2√2 से किया तो एंटायरली इट इज गॉन। इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, 2√6:1+√3। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। मतलब हमें डिनोमिनेटर को एक तरह से नहीं लगाना, मतलब डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए आंसर में। हाँ, सिंपलीफाइड फॉर्म में आपके पास बिल्कुल सही, खास करके रूट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। एक बार को अगर कोई रैशनल नंबर है तो चलेगा, बट इरैशनल नंबर नहीं चलना चाहिए। आई होप दैट इज ओके। ठीक है, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स सो दैट यू लर्न इट इन अ बेटर मैनर। आई होप दिस इज ओके, फाइन। या ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। इसमें आपके पास ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC इज देयर। इट इज नोन टू यू दैट एंगल C इज 105 डिग्री, एंगल C इज 105 डिग्री, एंगल B इज 45 डिग्री, साइड A small a is given as 2 and you have to find the value of B. ट्राई करना चाहोगे? Yes sir, ट्राई करो। I'll wait for a minute. देखो अर्पित, मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए थी कि ये जो मेरे पास ट्राइंगल है इसमें एंगल C अगर 105 है, एंगल B अगर 145 डिग्री है, तो सर्टेनली जो मेरे पास एंगल A होगा ये 150 हो गया, तो एंगल A मेरा 30 डिग्री होगा। सबसे पहली बात तो ये चीज़ बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमें b की वैल्यू चाहिए, तो आपको टेंशन नहीं है। मैं स्ट्रेट अवे a/sin of a इज इक्वल टू b/sin of b लगाऊंगा, दैट्स ऑल। स्ट्रेट अवे आई विल गेट द आंसर। a की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखी है, sin of a इज sin 30 डिग्री, लेट दैट बी एज इट इज। b की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और sin b इज sin 45 डिग्री। तो बिना कुछ खास एफर्ट के तुम b की वैल्यू बता सकते थे, दैट इट इज 2 × sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। sin 30, व्हाट इज sin 30? इट इज 1/2। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। इस 2 को अगर उठा करके तुम ऊपर रख लो तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/√2। जैसा मैंने कहा नॉर्मली नीचे रूट एवॉइड करो, तो ऊपर नीचे अगर तुम √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये तुम्हारा बन जाएगा नीचे 2। इस 2 को तुम इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2। दैट मींस योर फाइनल आंसर वुड बी 2√2। आई होप दैट्स ओके अर्पित। यस सर। ठीक है, C निकालने को दे दे तो C भी बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रूफ पे है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है ABC, then you need to prove that a - b/a + b is equal to tan of a - b/2 / tan of a + b/2. That is what we need to prove. ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिए। सर्टेनली यहाँ पे हम लोग इसमें साइन रूल यूज करना चाहेंगे, राइट? साइन रूल हमें समझ में आना चाहिए कि a/sin of a इज इक्वल टू b/sin of b। मैं c को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे प्रूफ में कहीं भी c नहीं दिख रहा है। अब सर्टेनली मैं LHS से जब शुरू करूँगा तो सिर्फ a और b मालूम है, तो मैं a को क्या रिप्लेस करूँगा, मैं a की जगह पे sin k times sin of a लिखूंगा और b की जगह पे यानी स्मॉल b की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, k times sin of b। इससे क्या होगा, मुझे कहीं ना कहीं LHS एंगल और साइड के बीच का रेशियो मुझे एस्टैब्लिश करना है ना। तो LHS जो है मेरे पास, मैं LHS लिख रहा हूँ, LHS कितना है, इट इज a - b ओवर ए प्लस बी। ठीक है, मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखता हूँ के देखो ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी कॉमन है। सो सर्टेनली इट इज़ के टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव के टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ठीक है, नाउ यहाँ से हमें टैन का कुछ इस्टेब्लिश करना है, टैन का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है और यहाँ मुझे क्या दिख रहा है ए माइनस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू। मैं क्या अप्लाई करूंगा साइन सी माइनस साइन डी एंड साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ मेरे पास साइन ए माइनस साइन बी है, ये चीज कितनी हो जाती है ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। नीचे मेरे पास क्या है साइन सी प्लस साइन डी यानी कि साइन ए प्लस साइन डी। तो इसमें क्या हो जाता है दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। आई थिंक यू कैन लुक इनटू द आंसर वेरी इजीली, राइट। दिस इज व्हाट साइन ए प्लस बी ओवर कॉस ए प्लस बी, क्या बनेगा ये टैन नीचे। ठीक है, दिस इज व्हाट टैन ए प्लस बी बाई टू। और यहाँ अगर देखो तो साइन ए माइनस बी बाई टू अपॉन कॉस ए माइनस बी बाई टू, व्हाट इज दैट? That is tan of a minus b by 2. I hope that's easy and you have understood. Is it, Arpit? Yes, sir. ठीक है, तो आपने नोट भी कर ही लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ट्राई करोगे। ठीक है, I'm giving you the next question. So let's do the next question. Let that be question number 7. ये भी प्रूफ के ऊपर है। देखो Question number 7. This is you need to prove that C over A plus B is equal to cos of A minus B by 2, cos of A minus B by 2 over sin C by 2. Certainly, ये किसके बात हो रही है? Triangle ABC की बात। ठीक है, try करो। 90 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो बेटा, मैंने पहले RHS थोड़ा सा रॉन्ग लिखा था, वो मैंने ठीक कर दिया है। अभी इसको शुरू करते हैं जस्ट द वे वी रीड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। LHS से शुरू करता हूँ। दिस इज C ओवर A प्लस बी। हमें tan के फॉर्म में जाना है और A बाई टू के फॉर्म में जाना है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से मैं C को लिखना चाहता हूँ K टाइम्स साइन ऑफ C, ए को क्या लिखूंगा के टाइम्स साइन ऑफ ए और बी को क्या लिखूंगा के टाइम्स साइन ऑफ बी। आई होप स्टेप 1 इज एब्सोल्युटली फाइन। दिस के इज गॉन। अब मुझे इसमें टैन के फॉर्म में लेके आना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि कुछ वैल्यूज मिल के आ जाए। ठीक है, मुझे इतनी सी बात तो मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होता है इज इक्वल टू पाई। तो इस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इस सी को लिखना चाहता हूँ पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, दिस पाई माइनस ए प्लस बी एंड साइन ऑफ सी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे आंसर हर जगह पे ए और बी में दिख रहा है, इसलिए मैं सी को ए और बी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एज इट इज गिवन दैट इट कम्स फ्रॉम अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो आपको पता होगा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। यानी ये जो तुम्हारा RHS है ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी। और नीचे तुम्हारे पास कितना है, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब जब हम इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ दिस, तो ऐसा करते हैं कि इसको इसमें अगर मैं बिकॉज डिनोमिनेटर में तो सिर्फ एक ही चीज़ अप्लाई करने की मैं सोच सकता हूँ, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखते हैं अप्लाई करके कितना आ रहा है। ये आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, दैट इज व्हाट आई गेट। और न्यूमरेटर में अगर मैं साइन टू ए वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू into cos of a plus b by d. ठीक है, this 2 and 2 is gone. सर ऊपर में भी हमने sin a plus sin b क्यों लगाया? वो तो sin a plus b है ना बेटा, sin a plus b ही लगाया मैंने। ऊपर क्या लगाया देखो, मैं यहाँ रेड से लिख देता हूँ। मैंने ऊपर ये लगाया है that sin of any angle is equal to twice sin of half of the angle and cos of half of the angle. यहाँ तुम्हारे पास sin a plus b था, मैंने इसको क्या लिखा, twice of sin of a plus b by 2 cos of a plus b by 2, right? I've used this. Okay. Okay? तो इस तरीके से तुम बड़े आसानी से देखोगे कि ये sin a plus b by 2 और sin a plus b by 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ रहा है तुम्हारे पास cos a plus b by 2 और नीचे आ रहा है cos a minus b by 2। यहाँ पे मैं इसमें cos a plus b और cos a minus b अप्लाई करना चाहूँगा। ऊपर मैं cos a plus b अप्लाई करता हूँ, cos a plus b कितना हो जाता है, cos a cos b a by 2 है तो a by 2 रहेगा, राइट, cos a by 2 cos b by 2 माइनस sin a sin b, that is sin a by 2 sin b by 2। इन द डिनोमिनेटर आई हैव व्हाट, cos a minus b by 2। ये क्या होता है, cos a cos b plus sin a sin b। तो एंगल क्योंकि a by 2 है तो ये a by 2 ही रहेगा, cos a by 2 cos b by 2 plus sin a by 2 sin b by 2. I think now you can easily see कि तुम required RHS पे कैसे पहुँचते हो। तुम्हें हर चीज़ tan में चाहिए तो divide the denominator in the, I mean divide the entire expression numerator as well as denominator by cos a by 2 and cos b by 2। ये क्या बन जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा tan a by 2 and this will be what, tan b by 2। नीचे क्या आएगा बेटा, this will be 1 and that will be tan a by 2 into tan b by 2। बातें समझ में आ रही है बेटा? Yes sir, that is your required RHS। ठीक है, इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। और एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं so that the, ये सब में कभी-कभी RHS और LHS हाफ पे भी रुक जाता है क्या, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में होता था? देखो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, राइट? अगर इन्होंने a by 2 b by 2 पूछ रखा है तो अकॉर्डिंगली हमने ध्यान दिया कि हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। द हिंट ऑलवेज लाइज इन द क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू रियलाइज कि क्या वो पूछ रहे हैं। जो पूछ रहे हैं अगर उस पर फोकस रखोगे तो तुम्हें डायरेक्शन हमेशा मिलती रहेगी कि हाँ क्या अप्लाई करने से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं। जैसे सपोज करो इस बार मैं 9th क्वेश्चन पिक करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। 9th क्वेश्चन में यू हैव टू प्रूव that sin of b minus c by 2, sin of b minus c by 2 is equal to b minus c over a, b minus c over a into cos of a by 2। ट्राई करना चाहोगे? Yes sir। ठीक है, take 90 seconds, ट्राई करो। देखो भाई हमें क्योंकि अभी साइन रूल ही अप्लाई करना है, राइट? अभी कॉस रूल वगैरह तो हमने कुछ भी सीखा नहीं, हमने सिर्फ साइन रूल पढ़ा है, तो सर्टेनली हम वहीं से कुछ आइडिया डिराइव करेंगे। एक चीज़ तो मुझे हमेशा ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ से तुम साइन के फॉर्म में ले आओ वहाँ से शुरू करो, यानी ज़रूरी है कि आप LHS से शुरू करें। यहाँ पे अगर RHS से शुरू करें तो शायद ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो प्रूफ शुरू कर रहे हैं वो RHS से शुरू करना चाहते हैं, p minus c over a into cos of a by 2. Okay, that is what from where I would like to start. ध्यान से देखिए, b की जगह पे क्या लिखूंगा, a times sin b। ऐसे कई क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, आई होप इस स्टेप में कोई परेशानी नहीं होगी। k को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और ये k times sin c भी आएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा k times sin a। ठीक है, तो इससे क्या है, ये k जो एक अनयूजुअल कॉन्स्टेंट है जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड कॉन्स्टेंट है, यूजुअल की जगह अनवांटेड में तो ज्यादा बढ़िया होगा। दैट इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। अब यहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस, यहाँ मैं क्या sin b - sin c अप्लाई करूंगा और यहाँ पे sin 2a वाला कांसेप्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है, sin b - sin c जब मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है twice cos of b plus c by 2 into sin of b minus c by 2। ठीक है, ये cos a by 2 मेरे पास एज इट इज, ये वाला एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नीचे मेरे पास sin a है, इसको मैं अगर हाफ एंगल में टर्न करूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। दिस कॉस ए बाई टू एंड दिस कॉस ए बाई टू इज गॉन, ये वाला टू भी आपका चला गया। अब आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, कॉस बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी बाई टू। द गुड साइड इज कि हमें साइन बी माइनस सी बाई टू चाहिए, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का रिलेशन तो होगा ना। हाँ, यहाँ पे हमें एक रिलेशन मालूम है ना, क्योंकि ये एक ट्राइंगल से निकल के आया है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है। यानी मैं b प्लस सी बाई टू के बारे में अगर, बिकॉज यहाँ मेरे पास b प्लस सी बाई टू है, b प्लस सी बाई टू के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं क्या कहूँगा, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू कहूँगा, नहीं कहूँगा, राइट। तो यहाँ b प्लस सी बाई टू की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। एंड साइन पाई बाई टू माइनस एंगल थीटा इज व्हाट, दैट इज साइन थीटा। तो ये वाली चीज़ तुम्हारी बन जाएगी साइन ऑफ ए बाई टू। और ये साइन b माइनस सी बाई टू का तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज मुझे राइट साइड पे यही एक्सप्रेशन दे रखा है। नीचे भी तुम्हारे पास साइन a बाई टू है, ऊपर भी साइन a बाई टू है, तो इज दैट द रिक्वायर्ड एलएचएस? सर्टेनली यस। इज इट ओके बेटा? यस सर। है, इस तरीके से आसानी से हो सकता था। चलो थोड़े और क्वेश्चन टाइप चेंज करते हैं, राइट। मैं कोशिश यही होती है मेरी एज यूजुअल कि हर टाइप के क्वेश्चन थोड़े थोड़े से टच कर लें। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 13 क्वेश्चन में क्या है। 13 क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है, इट इज अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ बी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ। Okay. This we need to prove that this is equal to a plus b minus twice of under root ab divided by a minus b. ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी सारे कर लिए हैं, तो मैं आपको 90 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, इसको ट्राई करना। आपने LHS से शुरू किया या RHS से? RHS से। बिल्कुल सही। The first thing is to start जहाँ पे तुम्हें ए बी सी दे रखे, वहाँ से इजी होता है स्टार्ट करना। ठीक है, देखो मैं भी आरएचएस से स्टार्ट करने का ही सजेशन दूंगा। ए प्लस बी माइनस, ओके वो आ गया वो आरएचएस एलएचएस इक्वेट कर दिया, आ गया। हाँ आना चाहिए, देखो। हाँ वो मैंने एलएचएस को पूरा करके छोड़ दिया था, मुझे लगा वो आरएचएस डायरेक्टली आ जाएगा, एलएचएस डायरेक्टली आ जाएगा, बट वो रेशनलाइज करके। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देख लो, तुमने जो किया अच्छी बात है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी देख लो। ये मैं इसको न्यूमरेटर को रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्म दिख रहा है। और नीचे सर्टेनली मैं इसको अंडर रूट ए अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि ये क्या मिलेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, यहाँ से ये ए माइनस बी एक इससे कैंसिल हो जाता है, और अब मैं बिना किसी टेंशन के ए की जगह पे क्या लिखूंगा, के टाइम्स साइन ऑफ ए, के टाइम्स साइन ऑफ ए। बी की जगह पे क्या लिखूंगा, के टाइम्स साइन ऑफ बी। और नीचे भी मेरे पास ए प्लस बी है, तो यहाँ पे भी ये के टाइम्स साइन ऑफ ए और के टाइम्स साइन ऑफ बी आ जाएगा। अगर तुम अंडर रूट के ऊपर और नीचे से कॉमन ले लो, दैट इज डन। Question is done. What are you left with? You are left with under root of sine of a minus under root sine of b, and this is divided by under root sine a plus under root sine b. बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है? Yes sir. That is how you should have reached. ठीक है? Let me give you one more question. कोई question अगर तुम्हारे साइड से है तो तुम भी मुझे बता सकते हो, कोई problem नहीं। सर ये try करूँगा तभी बता पाऊँगा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन टाइप में इसलिए अभी आपको दे रहा हूँ, ताकि जब आप खुद से ट्राई करना शुरू करें तो आपके डाउट्स कम हैं। 15 देखो, स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है। दिस इज ए स्क्वायर साइन ऑफ बी माइनस सी ओवर साइन ऑफ ए एंड दिस इज बी स्क्वायर साइन ऑफ सी माइनस ए over sine of b plus c square sine of a minus b over sine of c। ये स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी। This has to be proved that this expression is equal to 0. Okay? I again give you 2 minutes now. Try करके देख लो। और फिर वो equate होके 0 आ रहा। That's wonderful. देखो फिर भी मैं इसको एक alternate तरीके से बताता हूँ, शायद वो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। देखो मैं एक ही जगह पे क्या रखूंगा, a times sin of a, ठीक है। Similarly b की जगह पे क्या रखूंगा, a times sin of b, और c के जगह पे मैं रखूंगा a times sin of c। जैसे ही मैं यहाँ पे रखता हूँ बेटा, तो अच्छी बात ये है कि ये मेरे पास एक साइन, यहाँ पे a स्क्वायर रख लिया आएगा, k स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। दिस वुड बी k स्क्वायर साइन स्क्वायर a into sin of b minus c। नीचे मेरे पास एक साइन a है, ठीक है, मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई होप यू रियलाइज दैट। नीचे मेरे पास एक साइन ए है, तो एक साइन ए इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, ठीक है। सिमिलरली बाकी टर्म्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, साइन बी और साथ में साइन सी माइनस ए। आई होप यू रियलाइज कि ये नीचे वाला साइन भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ कैंसिल हुआ, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी के स्क्वायर साइन ऑफ सी साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है। मैं ये एक्सप्रेशन थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, व्हाट इट इज साइन ऑफ a माइनस b, ये एक साइन c इससे कैंसिल होगा, ठीक है। तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो k स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर कैन बी टेकन इन कॉमन, आपके पास बचा क्या, साइन a इनटू दिस, और आपको मालूम है कि a कैन बी रिटन एज पाई माइनस b प्लस c, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट, इट इज साइन थीटा। यानी ये एक्सप्रेशन जो तुम्हारे पास बच रहा है बेटा, ये बच रहा है साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, राइट। और सेकेंड एक्सप्रेशन सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए, ठीक है, साइन ऑफ सी माइनस ए। एंड द थर्ड थिंग कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, a माइनस b। अब यहाँ पे अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद है तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, राइट। अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी ध्यान में है तो ये क्वेश्चन तुम एक स्टेप में इसके बाद सॉल्व करने वाले हो। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, लेट मी रिमाइंड यू। तुमने पढ़ रखा है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट। आपने इस बात को पढ़ रखा है दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, this is equal to sin square theta cos square theta, sin square a minus sin square b, or you can also express it in the form of cos square, which is cos square b minus cos square a. the choice is yours, आप जैसे चाहें वैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सब कुछ साइन के फॉर्म में है, तो तुम अगर इसको साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। दिस इज sin square b minus sin square c, नेक्स्ट टर्म तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, राइट, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। और तीसरा एक्सप्रेशन जो तुम्हारे पास आएगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, एज यू मस्ट हैव नोटेड बाय नाउ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर तुम इस प्रॉपर्टी को यूज करते तो बड़े आसानी से सारी चीजें देखो प्लस माइनस में कैंसिल हो रही है। k square into 0 is nothing but 0, which is the required RHS. I hope that's easy and you have learned that. Yes, sir. Okay, ठीक है, let us do few more questions, we have some time. और 18th question देखते हैं। Again आप ट्राई करेंगे because easy है, मुझे लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को किया था बट थोड़ा सा आपका तरीका मुझे लेंदी लगा, इसलिए मैंने अपना तरीका भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। Okay, it is cos of 2a over a square minus cos of 2b over b square. This you need to prove that this is equal to 1 by a square minus 1 by b square. Okay, cos 2a over a square cos 2b over b square is equal to 1 by a square minus 1 by b square. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो 2 मिनट्स। देखो मैं तुम्हें इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी देता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो सर ये डायरेक्शन सही है, मतलब जा सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। देखो मैंने कई बार आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री या किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से करें, राइट, दे कैन बी मोर देन वन इफेक्टिव वे। ठीक है, आपने भी एक तरीके से करा है तो एक दूसरा तरीका जो मुझे लगता है वो उससे ज़्यादा ईजी है इम्प्लीमेंट करना, मैं वो भी आपका डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ जैसे कॉस्ट हुए है और कॉस्ट होती है, हमने पढ़ा सिर्फ साइन रूल है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में ये आता है कि क्यों ना मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूँ। क्या cos थीटा का हमारे पास कोई फॉर्मूला है साइन के लिए? सर्टेनली है, cos 2 थीटा is equal to 1 minus 2 sin square थीटा। I hope you remember that। ठीक है, मैं इसको यूज करके यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा और फिर साइन रूल यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो LHS यानी cos 2a को मैं लिखना चाहता हूँ 1 minus 2। सर ये वाला मतलब cos रूल से बनता इजीली। cos रूल तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं ना। नहीं पढ़ लेता तो नहीं, वहाँ पे भी जो तुम cos 2 पढ़ोगे वो cos a और cos b के लिए पढ़ोगे, cos 2a और cos 2b के लिए नहीं पढ़ोगे। ओके okay. तो वो देखेंगे, तो वो आएगा वो भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल तो ये देखना है कि हमने जो सीखा है वो अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो मैं LHS को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहूँगा। ठीक है, दिस इज वन एक्सप्रेशन एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, राइट, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूँ तो ये 1/a² और 1/b² को मैं अलग से लिख देता हूँ, और -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? sin² a ओवर a² दिस इज sin² a ओवर a², और यहाँ क्या मिलेगा मुझे? sin² b ओवर b²। आई होप यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट। The good side is कि हमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं से जीरो बन रही होगी। ठीक है, दिमाग लगाते हैं, 2 स्टेप में तुम आंसर तक पहुंच गए। ध्यान से देखो, लुक एट द एफर्ट्स, राइट। तो ये मेरे पास -2 है और sin² a को मैं क्या लिख सकता हूँ? k टाइम्स, राइट। मैं आपको अगर साइन रूल याद दिलाऊँ तो ये आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, राइट, b बाई साइन b इज इक्वल टू k। तो मैं sin² या तो sin² को लिख लो या फिर a को लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, जैसे चाहे वैसा कर लो। a को क्या लिख लोगे? k टाइम्स sin ऑफ a, तो ऐसा कर लो। ठीक है, मैं इस sin² a को एज इट इज रहने देता हूँ, इसको मैंने k टाइम्स लिखा तो ये आ गया k² sin² a। ठीक है, और ये तुम्हारे पास आ गया sin² b था, और नीचे कितना आ जाएगा? k² sin²b। इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन, ये वाली चीज तो पूरी पूरी कैंसिल हो गई, बचा क्या? 1/k² - 1/k²। व्हाट इज दैट? 0। इज द वर्क डन? सर्टेनली यस। तो a² - b² दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स। बात समझ में आ रही है? एफर्ट्स कम लग रहे हैं इसमें? यस सर। ठीक है, तो लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस कल की क्लास में देखेंगे। एक बार जो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कर लेंगे, फिर जो डाउट्स होंगे वो मैं उसके बाद देखूंगा। ठीक है, so I'm giving you one more question, let that be question number 22nd. okay, let that be question number 22nd. 22nd question says that a cos of a, abhi tumne cosine rule nahi padha hai, ye dhyan rakhna, b cos of b plus c cos of c, to tumhe sine rule use karte hue hi isko deal karna hai. theek hai, that is equal to twice of b sin a into sin c, and in return you also need to prove that this is equal to twice of c sin a into sin b. This is the last question for today's class, so I again give you 2 minutes to try. Dimag lagao, just 2 minutes. उस टाइम काफी हो गया ना। देखिए LHS से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे cos a है, cos b है, cos c है, और हमें साइन के फॉर्म की चीज़ें ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं, मैं इस LHS में a की जगह पे k टाइम्स साइन a रखना चाहूँगा, b की जगह पे k टाइम्स साइन b एंड सो ऑन। ठीक है, देखो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, दिस k टाइम्स sin of a into cos of a, this would be k times sin of b into cos of b, and the last term would be k times sin of c into cos of c. जैसे ये sin a, sin b, cos b, sin c, cos c देखता हूँ तो मुझे ध्यान आता है sin 2a, sin 2b, sin 2c। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि मेरे पास k/2 कॉमन आ जाएगा, k/2 कॉमन आ जाएगा और ये वाली चीज जो है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी sin 2a। ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी sin of 2b। ठीक है, और k/2 मैंने कॉमन लिया है तो k बाहर चला गया, ये हो जाएगा मेरे पास sin 2c। ठीक है, दैट इज द एक्सप्रेशन वेयर वी कैन रीच। बट अल्टीमेटली हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये 2a या फिर a/2 या b/2 ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो sin 2a और sin 2b है ना, यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहूँगा sin of c प्लस sin of d। ठीक है, और देखते हैं क्या अप्लाई करके क्या आता है। ये मैंने k/2 को एज इट इज रहने दिया, इसको यहाँ जब मैं अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, twice of sin of a प्लस b/2, यानी twice of a twice of b। इसका हाफ करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ sin of a प्लस b इंटू cos of a माइनस b/2, 2 of a माइनस 2 of b अपॉन 2 करूँगा तो वो अपॉन 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, cos of a माइनस b। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ रहा है और sin 2c, क्यों ना इसको मैं फिर से वही सिंपल sin c cos c लिख लूँ। ठीक है, सिंपल sin c cos c लिख लूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है इसमें मुझे ये sin c यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको sin c में ही रखा अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखो ये जो sin of b प्लस c है, आपको मालूम है कि a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस c लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, तो तुम्हें sin c कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे twice of sin c को कॉमन ले लो, तो ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, k times sin of c। ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास k times sin of c, ये वाला 2 कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ आपके पास आया cos of a माइनस b और यहाँ क्या आया तुम्हारे पास, cos of c। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि c कैन बी रिटन एज पाई माइनस a प्लस b। ठीक है, क्यों मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मुझे cos of a माइनस b है, यहाँ पे cos of a प्लस b अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं c की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, पाई माइनस दिस एंड cos पाई माइनस थीटा इज व्हाट, इट इज माइनस cos थीटा। तो ये वाली चीज़ मुझे क्या मिलेगी, माइनस cos of a प्लस b। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम लेफ्ट विद। ओके, अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, क्या, कि मैं यहाँ पे cos c माइनस cos d अप्लाई करूँ। ठीक है, cos c माइनस cos d अप्लाई करूँ, तो ये k times sin c मेरा एज इट इज इंटैक्ट है। cos c माइनस cos d कितना होता है, माइनस twice of sin of this माइनस दिस। ठीक है, यहाँ जब तुम दिस माइनस दिस करोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2b आएगा, माइनस 2b और sin of माइनस थीटा को माइनस sin थीटा लिखूँ तो ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा बन गया कितना, ये आ गया मेरे पास sin of b और sin of a प्लस b/2, इन दोनों का ऐड करूँगा तो 2 of a यानी कि sin of a आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, देखते हैं हमें कहाँ पहुँचना था और हम कहाँ अभी पहुँचे हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है twice of a times sin of a sin of b sin of c। राइट, हमें प्रूव क्या करना था, एक बार ज़रा चलो ऊपर चल के देखते हैं व्हाट डू वी नीड टू। हमें प्रूव करना है twice of b into sin a sin c और twice of c sin b sin c। तो कोई इश्यू नहीं है, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी नाउ। राइट, जब मुझे b चाहिए तो मैं इस k और b को, k और sin b की जगह पे क्या लिख लूँगा, b लिख लूँगा। तो ये क्या बच गया, twice of b into sin of a into sin of c। ठीक है, twice of b sin, आई होप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, k times sin b इज वॉट, इट इज़ b। ठीक है, यूजिंग द साइन प्रॉपर्टी। और एक चीज़ और जो हमें प्रूव करनी है, ये c लेके आना है, तो अब क्या करूँ, ये k को c के साथ मर्ज कर देता हूँ, तो ये कितना मिलेगा मुझे, twice of c sin of a into sin of b। अर्पित, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके